नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी गोयल है। ये मेरे हस्बैंड राजन गोयल हैं। हम आश्रम से आए हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे हस्बैंड को यूरिन वाले स्पेस पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसके कारण मैंने अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर आलू मुखर्जी से विज़िट किया। उन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड लिखा डॉपलर, जिसमें पता चला कि इनको वेंस के बंच यानी गुच्छे इकट्ठे हो गए हैं, तो जिस करके इनकी सर्जरी का प्रोसेस बताया डॉक्टर साहब ने कि इनका हम सर्जरी करेंगे जिससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर कोरोना के पिछले कुछ दिनों से जो हम कोरोना की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लेके मुझको बहुत ज़्यादा ही डर लगा हुआ था कि कोई और प्रॉब्लम नहीं क्रेडिट ना हो जाए। बट आई एम वेरी सेटिस्फाई इन हॉस्पिटल कि यहाँ पे मुझे कोरोना को लेके भी पूरी सेफ्टी मिली, देन मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन भी बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बिल्कुल फ्री माइंड से इनका ऑपरेशन, मतलब मेरे पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स करके जो कहते हैं वैसे किया। आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम डॉक्टर एंड हॉस्पिटल एंड ऑपरेशन साइड। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अलॉय मुखर्जी है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में वरिष्ठ चिकित्सक हूँ, मिनिमल एक्सेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बेरिएट्रिक सर्जरी, इस पे कार्यरत हूँ पिछले 20 सालों से। श्री राजन गोयल मेरे पास अपने अंडकोश की एक समस्या लेके आए थे, जिसमें अंडकोश के ऊपरी भाग में उनके जो नस होते हैं उस पर काफ़ी तनाव और खिंचाव होना शुरू हो गया था, जिसके कारण उनको पर्सिस्टेंट पेन और एक ड्रैगिंग सेंसेशन फील होता था हमेशा अपने टेस्टिकुलर रीजन में कुछ महीनों से। इसके लिए उन्होंने काफ़ी जगह गए, काफ़ी इलाज भी उन्होंने कराया, कुछ किसी ने दवाई एडवाइस किया, किसी ने कुछ बेल्ट एडवाइस किया, किसी ने फिजियोथेरेपी बताया, बट किसी से कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने काफ़ी अल्ट्रासाउंड्स, काफ़ी और इन्वेस्टिगेशंस भी कराए, जिसमें हल्के से वेरिकोसील को छोड़ के और कोई फाइंडिंग्स नहीं आ रहे थे। तो हमने उन्हें वेरिकोसील सर्जरी के लिए एडवाइस किया और ये दूरबीन से हमने संभव किया। श्री राजन जी को हमने ऑपरेशन से पहले कोविड टेस्ट करा के ऑपरेशन के दिन ही हमने एडमिट किया और सर्जरी मात्र 15 से 20 मिनट के समय में समाप्त किया। ऑपरेशन से 2 घंटे से 3 घंटे बाद उनको खाना वाना खिला दिया गया और अगले दिन सुबह उन्हें डिस्चार्ज किया गया। राजन जी की समस्या तुरंत ही, तनाव भी काफ़ी हद तक रिलीव हो गए एंड वो बिल्कुल एसिम्प्टोमैटिक हो गए जैसे पहले रहते थे। थैंक यू।